क्या आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, या फिर आपको सनबर्न हो गया है, या फिर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, या आपकी स्किन से ग्लो बिल्कुल गायब हो गया है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, या फिर आपको ओपन पोर्स की समस्या है। अगर आप इन सभी प्रॉब्लम में से किसी एक प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी जो इन सभी प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रियंका शर्मा और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी जो आपकी स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। और अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट लगा है तो आपको एक भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर दिस रेमेडी ऑल वी नीड इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे हेयर्स और स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किस तरह से एलोवेरा जेल लगाकर हम बहुत सारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अजू लेट्स गेट स्टार्टेड। इस होम रेमेडी के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज एलोवेरा जेल और दूसरी इस तरह की आइस क्यूब ट्रेस आपको लेनी होगी। ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी लोकल मार्केट से इसे खरीद सकते हैं। मैंने इसे अमेजोन से लिया था। सो आपको करना क्या होगा, अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट लगा है तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एलोवेरा का एक लीफ कट करना है और उससे जितना भी जेल है उसको स्क्रेप ऑफ करना है और थोड़ा सा ब्लेंड करके आप इस आइस क्यूब ट्रे में उसे डालकर 5 से 6 घंटे तक रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके रख सकते हैं। और अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो आप इस तरह का एलोवेरा जेल यूज करें। मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा जेल ट्रे में डालना है। मैं यहाँ सिर्फ एक एलोवेरा क्यूब बनाऊंगी बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं क्योंकि मैं इनको रेगुलरली यूज करती हूँ। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ। आपको जितने भी क्यूब्स बनाने हैं आप उतना जेल ट्रे में डाल दें। नाउ कीप द ट्रे इन रेफ्रिजरेटर फॉर अबाउट 6 to 7 आवर्स। 6 से 7 घंटों के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको आपका एलोवेरा क्यूब बिल्कुल रेडी मिलेगा। अब देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। यूज करने से पहले मेक श्योर आपका फेस एकदम क्लीन हो, आपके फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम ना हो। अब इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको इसे अपने पूरे फेस पर लगाना है। सुबह उठकर अपना फेस वॉश करके अगर आप इसे यूज करते हैं तो हमारे फेस में जितनी भी पफीनेस होती है वो सारी खत्म हो जाती है। या फिर आप इसे रात को सोने से पहले भी यूज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस तरह से इसे अप्लाई करना है और कम से कम 1 मिनट तक अपने फेस की अच्छे से मसाज कर लें और आराम से सो जाएं। सुबह आपको आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा फ्रेश मिलेगी। खासकर गर्मियों के मौसम में एलोवेरा क्यूब लगाने से काफ़ी अच्छा फील होता है बिकॉज ये ठंडा होता है जिससे हमारी स्किन एकदम फ्रेश फील करती है। और गर्मियों के मौसम में सनबर्न की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, तो अगर आप एलोवेरा क्यूब को फेस पर यूज़ करते हैं इससे सनबर्न में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। एलोवेरा क्यूब को अगर आप कंटिन्यूअसली अपने फेस पर लगाते हैं तो आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाती है। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाती है। एलोवेरा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है आप कॉन्टिन्यूसली एलोवेरा क्यूब को अपने फेस पर लगाइए, आपकी स्किन एकदम फ्रेश फील करेगी। एलोवेरा क्यूब हमारी स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है और साइंस ऑफ एजिंग को भी स्लो करता है। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है आप एलोवेरा क्यूब अपने फेस पर लगाइए, बहुत हद तक आपकी एक्नी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको बग बाइट हुआ है या किसी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है तो आप इन्फेक्टेड एरिया में एलोवेरा क्यूब यूज़ कीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।